नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर आर्यन सिंह उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्या शाखा से हूँ। आज हम पहले की चर्चा की तरह आज आपके समक्ष हमारा जो बीएड का विषय है, मुख्य कोर पेपर है, उसी को उस विषय वस्तु को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उस पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था, इसी पर यही पेपर था बीएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर पेपर चलते हैं तीन, उसी में बीएड E2 सेकेंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके पहले जो हमारी आपकी वार्तालाप और चर्चा हुआ था जिस विषय वस्तु पे, वो आदर्शवाद था। आदर्शवाद को दो पार्टों में हमने विभाजित करके आपको सम्मुख रखे थे, उस पर चर्चा हुई थी, विस्तार से चर्चा हुआ था। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं उन्हीं पर, प्रयोजनवाद और शिक्षा क्या है, उस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इसकी शिक्षा क्या, प्रयोजनवाद और शिक्षा क्या है। तो आज हम अगर देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके जो तीन कोर पेपर चलते हैं वो 8-8 जो है क्रेडिट में विभाजित है। टोटल 24 क्रेडिट का होता है, जिसमें 4 नंबर का जो है प्रैक्टिकल रखा गया है, प्रायोगिक परीक्षा, वो जो है 28 क्रेडिट में विभाजित है। तो हम जो पेपर पढ़ाने जा रहे हैं बीएड E2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, वो जो है 8 क्रेडिट का है। उसके अंतर्गत जो है हमको विषय वस्तु, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु है, उसमें जो है प्रयोजनवाद और शिक्षा क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और आज जो है हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रयोजनवाद और शिक्षा क्या है। प्रयोजनवाद अर्थ क्रियावाद दर्शन की वह शाखा है जो मनुष्य को केवल व्यवहारिक पक्ष या किसी प्रागणभूत सत्य को स्वीकार नहीं करती, बल्कि इस प्रयोजनवाद अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, पुनर्रचनावाद, अनुभववाद, फलानुमेय प्रमाणवाद, प्रयोगवाद आदि नामों से अभिहित किया गया है। क्योंकि ये जो है प्रयोजनवाद के सभी लक्ष्यों उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं, इसलिए इसके तमाम पर्यायवाची है। प्रयोजनवाद आदर्श द्वारा जो पूर्व सिद्ध सत्य को अस्वीकार करता है और साथ ही प्रकृतिवाद का जो अमानवीय दर्शन है उसको भी वह नकारता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रयोजनवाद में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, तमाम ऐसे जो है सिद्धांतों को नकारने का एक नकारात्मकता दिखती है पूरे इस दर्शन में, कि उसको नकार कर वो अपने तरीके से उसको सिद्ध करते हैं और अपनी मान्यताओं को उस पे सामने ले आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इस पर जो है अगर हम आगे चलेंगे तो अगर हमें आदर्शवाद को डिटेल में, विस्तार में समझना है तो उसके जो विभिन्न दार्शनिक, शिक्षा दार्शनिक हैं, उनके विचारों को समझना आवश्यक है। उसी पर हम आगे बढ़ते हैं तो पियर्स का अर्थ क्रियावाद अथवा व्यवहारवाद पर हम देखते हैं कि पियर्स ने इस पर क्या विचार प्रयोजनवाद पर उन्होंने दिया है। तो पियर्स का मानना था कि अर्थ क्रियावाद अथवा प्रैग्मेटिसिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चार्ल्स सैंडर्स की पुस्तक में मिलती है। उन्होंने कहा कि चार्ल्स सैंडर्स की पुस्तक में इस शब्द का प्रमाण मिलता है, इसका जो है प्रयोग मिलता है। पियर जो दार्शनिक दृष्टि से प्रतीकों की व्याख्या की है, प्रतीक जो है उन्होंने प्रतीकों का निर्माण किया और उन्हीं प्रतीकों के द्वारा शब्द का भी निर्माण हुआ, और शब्द वही शब्द जो है आगे चलकर दार्शनिक व्याख्या के रूप में आया, क्योंकि शब्द से जो है, प्रतीक से शब्द बना और शब्द जो है गूढ़ रूप में आया, जो है दार्शनिक उसकी व्याख्या किया गया। और उसी पर हमने देखा कि पियर्स दार्शनिक दृष्टि से प्रतीकों की व्याख्या की। पियर्स के अनुसार कोई भी अवधारणा अंतिम सत्य नहीं है, उसका अर्थ है व्यवहारिक पक्ष से निर्धारित किया जाता है। पियर्स का मानना है कोई भी अवधारणा जो हम बनाते हैं वो अंतिम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पहले अगर हम देखें तो आदर्शवाद में कहा गया कि यह जो हमको दिखाई देता है सारी चीज़ें जो है अंतिम सत्य जो है, अल्टीमेट रियलिटी जो है सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उसकी पहले से निर्धारित है। हमारा उद्देश्य है उस आत्मानुभूति तक पहुंचना आदर्शवाद में, उसको उन्होंने नकारा, कहा कि अंतिम सत्य जो है, कोई भी अवधारणा अंतिम सत्य नहीं हो सकती। वहाँ पर अवधारणा जो है सत्य था,
सत्य जो है क्या था, सब जितने भी अंश हैं जीवों में उसमें आत्मा के रूप में, सब जो है परमात्मा के अंश, यही सत्य है। इसको सत्यम शिवम और सुंदरम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने उसको नकारा, उन्होंने कहा कि कोई भी अवधारणा अंतिम सत्य नहीं, उसका व्यवहारिक पक्ष से अगर वो व्यवहार में उसको उपयोग कर पाते हैं तो वह तो अवधारणा सत्य हो सकता है अथवा वह असत्य भी हो सकता है। तो कोई किसी भी अवधारणा को उन्होंने सत्य नहीं माना है। सत्य से संबंधित सभी अवधारणाएं अस्थाई है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है तथा व्यवहार के साथ उसके अर्थ बदलते रहते हैं। इन्होंने कहा कि सभी सत्य से संबंधित अवधारणाएं अस्थाई हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो है क्रियात्मक रूप से जो विचार होते हैं क्रियात्मक रूप से हमारे उपयोग में आते हैं, तो अवधारणाएं भी बदलती जाती हैं, उस अवधारणाओं पर सत्य भी का निर्धारण होता है। सत्य भी निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है, इसलिए जो है वो अस्थाई नहीं है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता है, ये व्यवहार के साथ अर्थ बदलते हैं। अगर व्यवहार हमारा उपयोग में है तो उसका अर्थ भी बदलता है, क्योंकि वो वही सत्य हो जाता है जो हमारे उपयोग में आता है, मनुष्य के उपयोग में आता है। हम आगे देखेंगे, अभी तो हमने पियर्स को देखा, हम आगे अब दूसरे जो है शिक्षा दार्शनिक, जो प्रयोजनवादी शिक्षा दार्शनिक है उनको देखते हैं। विलियम जेम्स का अनुभववाद या फलान्वय प्रमाणवाद, पियर्स के प्रैक्टिसम को जेम्स ने शिष्ट बनाकर उसको प्रैक्टिस संज्ञा प्रदान किया और उसे क्रमबद्ध दर्शन का रूप प्रदान किया, और जो प्रैक्टिसिज्म जो शब्द दिया था पियर्स ने उसको उन्होंने शिष्ट बनाया, उसको प्रैक्टिस जोड़ा, प्रैक्टिस के रूप में उसको जो है क्रमबद्ध दर्शन के रूप में उसको प्रस्तुत किया। जेम्स कहते हैं, जेम्स के अनुसार विचार का प्रयोजन मानवीय रुचियों को संतुष्टि करना है। उनका मानना है कि जो मानवीय रुचि है उसी को संतुष्ट करना है, और रुचियाँ जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं, तो विचार में जो चीज़ें आती हैं वो व्यवहार और अनुभव के द्वारा आती हैं। जैसे जो अनुभव हमको हुआ, अनुभव अगर वो हमारे कार के लिए उत्पाद के रूप में है, हमारे उपयोग में है, तो वह जो है उसको विचार के रूप में हमारे सामने, वो मतलब एक रुचि बन जाती है, वो विचार के रूप में हमारे सामने आता है, और उसको जो है उस पर विस्तार से चर्चा जो है ये प्रयोजनवादी करते हैं। जेम्स आगे कहता है, जेम्स ने अनुभववादी विधि का विस्तार नैतिक तथा धार्मिक प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो अनुभव है, अनुभव अगर हमारे जीवन को संघर्ष करने के लिए तैयार करता है, हमको जीवन के नैतिक रूप से तैयार करता है, नैतिक मतलब जब अगर हमारे उपयोग में है जो चीज़ें, जो उपयोग में है क्रिया में आके उपयोग में आया, वही जो है नैतिक रूप से, वो क्योंकि वो सत्य के रूप ले लेता है और वही हमारे लिए नैतिक हो जाता है, वही हमारे लिए धार्मिक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अनुभववादी विधि मतलब अनुभवों के आधार पर हम जो है विचारों का प्रकटीकरण होता है, और वही विचार जब समृद्ध होता है तो वह जो है नैतिक और धार्मिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। आगे कहते हैं, धार्मिक विश्वास को अनुभव के आधार पर सत्यापन होना चाहिए। जितने भी हमारे नैतिक और धार्मिक विश्वास हैं वो अनुभव के आधार पर अगर हमारे लिए उपयोग में आते हैं, उपयोगी हैं, तो उसको जब तक इसको सत्यापित हम अनुभव के आधार पर नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उसको धार्मिक रूप में नहीं ले सकते, नैतिक रूप में नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने अगला कहा कि जेम्स ने कहा धार्मिक विश्वास को अनुभव के आधार पर सत्यापन होना चाहिए। जो जितने भी हैं उसको सत्यापन जो है अनुभव के आधार पर होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा सत्य अनेक है, उन्होंने कहा कि सत्य अनेक है क्योंकि अनुभव के आधार पर हमारे विचार बदलते हैं, हमारी क्रियाएं जो है बाय उत्पाद होती हैं, बाय प्रोडक्ट होती हैं, तो वो क्रियाओं के द्वारा जो परिणाम मिलता है उससे एक उपयोग की चीज़ें जब हम निर्धारित करते हैं वही सत्य होता है। तो उन्होंने कहा कि सत्य अनेक हैं, सत्य भी बदलते रहते हैं, वो अनुभव के आधार पर होता है, वे निर्मित होते हैं, वो निरंतर निर्मित होते रहते हैं। सत्य में आज जो सत्य है कल हो सकता है वो हमारे लिए उपयोगी ना हो, तो असत्य के रूप में उन्होंने देखा, क्योंकि वहीं आदर्शवाद हम देखेंगे तो उन्होंने सत्य को मान लिया, परमात्मा ही सत्य है, अंतिम अल्टीमेट रियलिटी हमारा आत्मानुभूति की प्राप्ति करना। यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं, सत्य तो निरंतर परिवर्तनशील है और इसमें बदलाव होता रहता है, तो निर्मित होता, निरंतर परिवर्तनशील है,
सत्य का निर्माण किया जाता है। सत्य का निर्माण किस आधार पर करते हैं? अनुभवों के आधार पर करते हैं। हमारे लिए उपयोगी है तो वह सत्य है, अगर अनुपयोगी है तो वह सत्य नहीं हो सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा, कोई कथन सत्य या मिथ्या नहीं होता अपितु उसके सत्यापन के पश्चात उसे सही या गलत कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कोई भी कथन गलत नहीं हो सकता या सही नहीं हो सकता, अगर उसका सत्यापन होता है, क्रियाओं में हमारे लिए उपयोगी होता है, वो हमारे विचारों के द्वारा निकलकर क्रियाओं के रूप में आता है, अगर उसको हम सत्यापन कर लेते हैं, अगर वो सत्यापन में सही पाया जा सकता है तो सही है और उसे हम गलत नहीं कह सकते। इसलिए उन्होंने कहा कोई भी कथन सत्य या मिथ्या नहीं होता है। जेम्स के अनुसार यह जगत पूर्ण नहीं है, ईश्वर भी अपूर्ण है। इन्होंने कहा यह जगत पूर्ण नहीं है क्योंकि यह जगत जो है निरंतर जो है परिवर्तनशील है। जगत भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मनुष्य की भागीदारी है। मनुष्य निरंतर उसमें परिवर्तन करता रहता है, अपने अनुसार उसको परिवर्तन करता रहता है, इसलिए वह पूर्ण नहीं है। वहां पर अगर आदर्शवाद को यहीं देखें तो आदर्शवाद कहता है यह जगत पूर्ण है, पूरा चीज अल्टीमेट जो है देखा जाए सारे संसार में जो हमको दिखाई देता है वो मनस की उत्पत्ति है जो है ये। इसमें इन्होंने कहा कि जेम्स ने कहा जगत पूर्ण नहीं, ईश्वर भी अपूर्ण है। इन्होंने कहा जो ईश्वर है वो भी अपूर्ण है, उसमें भी निरंतर जो है परिवर्तन होता रहता है क्योंकि जगत भी अपूर्ण है। मनुष्य अपने ही प्रयासों द्वारा इस जगत को पूर्ण बनाने की प्रक्रिया में उसकी सहायता करता है। मनुष्य जो है इस जगत को पूर्ण बनाने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करता है और उसको उसमें निरंतर सहायता करता रहता है और आगे उसमें पूर्णता आती जाती है। फिर उसमें निरंतर जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं उसमें परिवर्तन आता जाता रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले जो है शिक्षा शास्त्री जो प्रयोजनवाद के शिक्षा शास्त्री हैं, जॉन डेवी का करणवाद प्रयोगवाद था पुनर्रचनावाद। इन्होंने विभिन्न नाम दिए, जॉन डेवी का करणवाद भी कहते हैं, प्रयोगवाद भी कहते हैं, पुनर्रचनावाद भी कहते हैं। जॉन डेवी के करणवाद शिक्षा में नई क्रांति को जन्म दिया था क्योंकि इसमें इन्होंने पूरा पूरा प्रयोग पर आधारित जो है वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी व्याख्या किया उन्होंने, इसलिए एक नई क्रांति को उसमें जन्म माना जाता है शिक्षा में। डीवी का व्यवहारवाद करणवाद के नाम से इसलिए जाना जाता है कि उसके अनुसार मस्तिष्क तथा ज्ञान उपकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उन्होंने कहा, डीवी ने कहा कि जो यह व्यवहारवाद और करणवाद है ये मस्तिष्क और ज्ञान हमारे उपकरण के रूप में दिखाई है, ये इसका उपयोग हम करके और भी जीवों में हम श्रेष्ठ बन सकते हैं और इस श्रेष्ठ बनने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा और उसको क्रियान्वयन में लाना पड़ेगा। उस क्रियान्वयन में लगाने के लिए हमें जो है काल्पनिक एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें इस मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा जो एक उपकरण के रूप में जॉन डेवी ने देखा। तो ज्ञान को उन्होंने कहा कि यह जो है एक उपकरण के रूप में है, मस्तिष्क और ज्ञान जो है एक उपकरण के रूप में है। फिर डेवी के अनुसार मानव मस्तिष्क उसकी क्रियाओं को प्रभावकारी ढंग से चलाने के लिए साधन अथवा करण मात्र है। उन्होंने कहा मानव मस्तिष्क क्रियाओं को जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके लिए जो है यह साधन और करण मात्र है। मस्तिष्क और ज्ञान ये दोनों जो है करण मात्र हैं और जो है क्योंकि उससे जो है वो अपने को श्रेष्ठ बनाता है। डीवी का दूसरा प्रमुख विचार है प्रयोगवाद। उन्होंने प्रयोग आधारित जो है एक दर्शन दिया, उसमें समस्या समाधान विधि जो शिक्षण में प्रमुख विधि है उसको उन्होंने दिया कि समस्याएं देते हैं छात्रों के सामने, उसको समाधान उनको खोजना रहता है। तो इसमें इन्होंने प्रयोग आधारित जो है ये अपना एक दर्शन दिया। शिक्षा को अनुभवों की पुनर्रचना कहा और डीवी ये भी मानते थे कि जो शिक्षा है ये अनुभवों की पुनर्रचना है, जितना अनुभव बढ़ता जाएगा शिक्षा भी उतनी ही परिमार्जित होती जाएगी और शिक्षा में परिवर्तन होता जाएगा। तो अनुभव के आधार पर उसमें पुनर्रचना निरंतर पुनर्रचना होता रहता है, इसी आधार पर उसको पुनर्रचनावाद भी कहा जाता है। तो डीवी के करणवाद मस्तिष्क और ज्ञान को उन्होंने कारण और साधन के रूप में देखा इसलिए करणवाद बोला गया और प्रयोग को उन्होंने समस्या समाधान विधि जो शिक्षण विधियों में उपयोग होता है समस्याओं को देकर जो है उसका समाधान निकालने के लिए कहा गया प्रयोग किया उन्होंने प्रयोगवाद।
फिर उनका पुनर्रचनावाद की जैसे जैसे अनुभव की में बढ़ता है, हमारा जो है शिक्षा भी परमार्जित होती है, समृद्ध होती है, उसमें भी पुनर्रचना होता रहता है शिक्षा में भी। अब आगे हम डीवी की तत्व की मीमांसा करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि उनके दर्शन क्या है डीवी के। तो हमारे जो तत्व की मीमांसा, डीवी के तत्व की मीमांसा देखेंगे। डीवी के अनुसार स्वयं अनुभव ही एकमात्र सत्ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं का अनुभव ही एकमात्र सत्ता है, जितना भी हम अनुभव करते हैं वही सत्ता है। अनुभवों के द्वारा ये जो है सत्ता कोई अस्थाई नहीं है, ये भी परिवर्तनशील है। ये हमारे अनुभवों के द्वारा सत्ता का निर्माण होता है। हम किसी वैश्विक रूप से व्याख्या हम जो है इसको नहीं कर सकते, अस्थाई जो है वैश्विक व्याख्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें निर्माण के रूप में है। तो उपयोग में जो चीज़ें आती है तो वही जो है हमारा, ये डीवी के अनुसार एकमात्र सत्ता कहा उन्होंने। सत्ता अनेक भिन्न भिन्न वस्तु था व्यक्तियों से युक्त है, और यह जो सत्ता जो जगत दिखाई देता है, हम जिसका उपयोग करते हैं सामाजिक रूप से, यह अनेक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के से युक्त है। इनके द्वारा, इनके विचारों, इनके अनुभवों द्वारा, इनके क्रियाओं के द्वारा यह जो है होता है। मानवीय अनुभव से परे कोई सर्वव्यापी सत्ता नहीं है। यही साथ में कहा कि मानवीय अनुभव से परे कोई सर्वव्यापी सत्ता नहीं जिसके माध्यम से विश्व की व्याख्या की जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर भी उन्होंने नकारा, डीवी ने भी नकारा कि आदर्शवाद में देखा जाए तो उन्होंने कहा कि मानवीय सत्ता से परे एक सत्ता और है जिसको, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वहां तक पहुंचना है। यहां उन्होंने कहा कि हम जिसको जानते नहीं, ऐसे परमात्मा, ऐसे जो है शक्ति से मुझे जोड़ा जा रहा है जिसके बारे में कोई मुझे अंदाजा नहीं है। यहां पे उन्होंने उसी को नकारते हुए कहा कि मानवीय अनुभव से परे कोई सर्वव्यापी सत्ता नहीं, जो मानव है इसी के अनुभवों के द्वारा यह सर्वव्यापी सत्ता है और जिनके माध्यम से विश्व की व्याख्या की जा सकती है, और यह जो है मानवीय अपने अनुभव के आधार पर हम इस विश्व की व्याख्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे व्याख्या करने के लिए और कोई आधार नहीं है। सत्ता परिवर्तनशील है। अगला उन्होंने तत्व मीमांसा का कहा कि सत्ता परिवर्तनशील है, सत्ता भी परिवर्तनशील है। सत्ता किसके द्वारा है? हमारे अनुभव, स्वयं के अनुभव के द्वारा है, वस्तुओं तथा व्यक्तियों के द्वारा है। तो स्वयं जब अनुभव हो रहा है और अनुभव से फिर परिमार्जित होकर फिर नया चीज पुनर्रचना के रूप में आ रहा है, नई चीजें आ रही है, तो सत्ता भी, उन्होंने कहा कि सत्ता भी परिवर्तनशील है। सत्ता में निरंतर परिवर्तनशीलता है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे हमारे जो अनुभव बढ़ेंगे, हमारी समृद्धि बढ़ेगी, हमारे नैतिक और धार्मिक रूप से जितनी भी हम समृद्धि ले आएंगे, वो जो है सत्ता में भी परिवर्तनशीलता की तरफ वो बढ़ेगा सत्ता भी। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्ता भी परिवर्तनशील है। डीवी कहता है सत्ता परिवर्तनशील है, जिसके बारे में हमने अभी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जगत अनिश्चित है। यह जगत भी अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित है कि उसमें भी परिवर्तनशीलता है। जगत हमेशा पुनर्निर्माण की अवस्था में है, और उसको कहा कि यह एक ऐसी नदी के भंवर के समान है जो सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को ले जाकर नष्ट भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह प्रकृति जो है न किसी से अत्यधिक प्रेम करती है, न किसी से घृणा करती है। इसलिए हर व्यक्ति को इसके प्रकृति के परिवर्तनशीलता के बारे में जानते रहना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए, उस पर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए कि प्रकृति जो हमारी प्रकृति है उसकी कैसी गतिशीलता है, इसकी परिवर्तनशीलता किस प्रकार से है, उस पर हमें अध्ययन होना चाहिए। और फिर आगे उन्होंने कहा कि मानवीय स्वतंत्रता, उन्होंने कहा कि इसके तत्व मीमांसा में बोला मानवीय स्वतंत्रता, मानव के लिए उन्होंने कहा कि मानव तो स्वतंत्र है, उसकी अपनी अभिरुचियाँ, अपने अपना अनुभव है, उसी के आधार पर सह क्रियाएँ करता है, तो मानवीय स्वतंत्रता तो है, मानवीय जो है मानवीय ढंग से जो है स्वतंत्र है, लेकिन उसको जो प्रकृति में विद्यमान जो है जो तत्व हैं, जो उसके तत्वों के द्वारा वह सीमित मतलब नियंत्रित हो जाता है। कभी कभी और भी विभिन्न तत्व हैं जो प्रकृति में विद्यमान है, उसके द्वारा वो सीमित हो जाता है, उसके नियंत्रण में हो जाता है। तो उसके बारे में भी बोला कि इसके बारे में भी हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इसको कैसे जो है नियंत्रित कर पाएँ और अपने व्यवहार को, अपने अनुभव को और परिमार्जन कर सकें,
इसके लिए मानवीय स्वतंत्रता की बात उन्होंने की कि मानव जो है स्वतंत्र होने चाहिए, उस पर जो है कोई प्राकृतिक नियंत्रण जो उसमें जो तत्व हैं उनका नियंत्रण जो है वो मानव पर नहीं होना चाहिए। फिर नैतिकता की बात कहा उन्होंने, नैतिकता को भी उन्होंने कहा कि यह अनुभवों के द्वारा जो नैतिक मूल है वो पुनर्रचना की अवस्था में होता है, निरंतर पुनर्रचना होता रहता है हमारी नैतिकता का, और ये अनुभवों के द्वारा ये इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो उसमें अस्थायित्व होता है। नैतिकता जो है नैतिक रूप से अगर देखेंगे उसमें परिवर्तनशीलता जल्दी नहीं होता, तुरंत परिवर्तन नैतिक रूप से अगर कोई नैतिक है कोई भी शुभ कार्य वह जो है तुरंत अशुभ नहीं हो सकता, वो कुछ दिन के लिए शुभ बना रहता है। कोई भी अच्छा कार्य जो हमारे लिए और के लिए भी अगर शुभ है तो कुछ दिन वो उसका जो है दशा उसी तरीके से बना रहेगा, वो नैतिक रूप से अस्थाई होता है, वो अशुभ नहीं हो सकता, इतने जल्दी वो समाप्त नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा ये जो नैतिकता है तीन मूल्यों को उन्होंने मतलब तीन मूल्यों को डीवी ने स्वीकार किया। तीन मूल्य कौन से उसमें थे? लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो अपने अभिव्यक्ति को कह सके अनुभव अपने अनुभवों के द्वारा उसको क्रियान्वित करता है और उसके द्वारा जो है उस नैतिकता का निर्माण होता है, धीरे धीरे वही नैतिकता जो है उसको धर्म के रूप में परिलक्षित होता है। तो इन्होंने कहा कि सत्य वो जो हमारे क्रियाओं के द्वारा हमारे उपयोग में आए वही चीज वही नैतिक हो जाता है, वही धार्मिक हो जाता है। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका उसमें अपनाया कि सबको अपने अभिव्यक्ति का अधिकार हो, लोकतांत्रिक तरीके से उसको कहा। दूसरा विचार था वाणी की स्वतंत्रता, इसमें इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को विचार और वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचारों को स्वतंत्र तरीके से वो बोल सके, कह सके, व्यक्त कर सके, अपने अनुभवों को परिलक्षित मतलब दिखा उसको जो है प्रकट कर सके। तीसरा नैतिक एवं कानूनी प्रतिबंधों को स्वीकार करते हुए कार्य की स्वतंत्रता, उन्होंने कहा कि जो नैतिक एवं कानूनी प्रतिबंधों को स्वीकार करते हुए कार्य की स्वतंत्रता मतलब अगर नैतिक है और कानूनी प्रतिबंधों को भी स्वीकार करे तो वह स्वतंत्रता सबसे उपयुक्त होती है और उचित होती है, उन्होंने कहा। और आगे उन्होंने कहा कि धर्म अस्पष्टता आदर्शीकृत सामाजिक नैतिकता है, उसकी आस्था मानवीय अनुभव में निहित है। यह जो उन्होंने कहा कि नैतिकता जो है हमारा निरंतर जो है वो हमारे अनुभवों द्वारा उसमें भी परिवर्तन होता है लेकिन अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। तो उन्होंने कहा कि जो धार्मिक धर्म की उन्होंने व्याख्या किया कि धर्म जो है किसी विशेष चीज़ों को धर्म के वाह आडंबरों को उन्होंने विरोध किया, कहा कि जो है धर्म में भी हमारा परिवर्तनशीलता होती रहती है, हमारे अनुभवों के द्वारा वो उसमें भी परिमार्जन होता रहता है, वह अस्थाई नहीं है। धार्मिक जो विवेचना किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि पहले से वो निश्चित नहीं है, कोई उद्देश्य उसका निश्चित नहीं है, जो हमारे उपयोग में आए वही हमारे लिए वही सत्य हो जाएगा, वही हमारा धर्म हो जाएगा, वही हमारी नैतिकता हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि वही आदर्शीकृत सामाजिक नैतिकता वही हमारे लिए व्यक्तियों के लिए समाज के लिए वह आदर्श स्थापित हो जाता है, वही हमारे आस्था और आस्था उसको हम आस्था के रूप में लेने लगते हैं। डीवी की नैतिकता जैव सामाजिक कही जा सकती है, उन्होंने आगे कहा कि जो डीवी की नैतिकता है वो जैव सामाजिक रूप में लिया कि बाई जो है बाई सोशल है या जो है, और इसमें जो है इसको तीन मूल्यों के रूप में उन्होंने देखा कि परिस्थितियों को अनुसार अपने को ढाल लेना, परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेना पहला, दूसरा है परिस्थितियों के अनुसार जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेना, तीसरा है परिस्थितियों को पुनर्रचना करना और उसको बनाना, ये तीसरा जो है उसको नैतिक रूप से धार्मिक रूप से उसको जोड़ा कि परिस्थितियों की पुनर्रचना किस तरीके से अपने अनुभवों के द्वारा परिस्थितियों को पुनर्रचना करना और उसको जो है उसके अनुसार समाज को में बनाना कि ये परिस्थितियां ऐसी हमारे लिए उपयोग में आ सकती हैं, इसी को उन्होंने धर्म और नैतिकता से जोड़ा। आगे हम देखते हैं कि जो आगे हमारे प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री आते हैं वो क्लेपैट्रिक का प्रयोजनवाद है। क्लेपैट्रिक ने वैज्ञानिक विधि का प्रोजेक्ट प्रणाली के रूप में विकसित किया। क्लेपैट्रिक ने जो दर्शन दिया वो वैज्ञानिक विधि है। उन्होंने गैलीलियो के जो वैज्ञानिक प्रतिमान जो मॉडल थे
उसी से जो है वो प्रेरित होकर जो है उसी के अनुसार उनका उनके उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर ले आए और प्रयोजन बाद में उन्होंने अपने उसको सिद्ध किया। गैलीलियो ने जैसे खगोल शास्त्री थे, गैलीलियो ने तमाम जैसे वैज्ञानिक रूप से व्याख्या, उन्होंने धर्म को जो अंधविश्वास था उसका विरोध किया, उन्होंने खोज की नई नई चीज़ें जो हम दिया आज भी हमारे उपयोग में है। उसी प्रकार के लिए पैट्रिक भी जो है प्रोजेक्ट प्रणाली के रूप में विकसित किया। इनके अनुसार मानवीय अनुभव की प्रमुख उपलब्धि नैतिक मूल्य है। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रमुख उपलब्धि है वो अनुभवों के द्वारा जो हमको मिलता है वो जो है मूल्य है, नैतिक मूल्य है। हम अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारे नैतिक मूल्यों का भी विकास वो परमार्जित रूप में होता है। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा जो है, इन्होंने क्लेपैट्रिक ने कहा कि हमारे प्रयोजनवादी शिक्षा में देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली या वैज्ञानिक विधि में देखेंगे तो सबसे बड़ा मनुष्य का जो अनुभव था उसमें नैतिक मूल्य ही आया उनका। और आगे उन्होंने कहा जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य नैतिक क्रम विकास है। हमारा जो लक्ष्य है उस सब सर्वोच्च जो लक्ष्य है वो नैतिक क्रम विकास है। नैतिक क्रम विकास मतलब उन्होंने एक तरफ नैतिक विकास के लिए भी बात कही और नैतिक क्रम विकास हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होता है। अगर हम व्यवहारिक रूप से अगर हमारे लिए उपयोगी होगा हम उसको प्राप्त करेंगे तो वो नैतिक रूप से सर्वोच्च होगा क्योंकि वो अच्छा होगा, उसी को हम सत्य मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च लक्ष्य नैतिक क्रम विकास है। अनुभव में प्राप्त मूल्य ही धर्म है और जो हमें अनुभवों के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जो मूल्य प्राप्त हो रहा है उसी को उन्होंने धर्म बोला। और यही हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि ये हमारे अनुभवों के द्वारा मिलता है जो पूरे समाज पर ये लागू होता है। तो उन्होंने कहा कि अनुभवों के द्वारा जो हमें प्राप्त मूल्य प्राप्त होता है वो हमारा जो है धर्म है। अब हम उक्त तीनों हम प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों को अध्ययन करने के बाद जो प्रमुख सिद्धांत रूप में निकल कर आता है उसको हम देखेंगे। उसमें क्या है, उसमें देखा जाए तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यह जगत निरंतर परिवर्तन की क्रिया से गुजर रहा है। अभी भी बात हुई है कि यह जगत जो है निरंतर परिवर्तन की क्रिया से गुजर रहा है। अनुभवों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होता है पुनर्रचना में फिर नया परिमार्जित रूप में जगत का भी निर्माण जो है पुनर्रचना के रूप में यह निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। उसमें जो है हमारा यह अनुभव के आधार पर जगत भी निरंतर परिवर्तनशील है। यह जो है हमारे विभिन्न जितने भी शिक्षा दार्शनिक है वो सब लोगों ने यही चीज़ें कही। और फिर दूसरा, जगत की प्रकृति अनिश्चित है। यह जगत की प्रकृति जो है वो अनिश्चित है। सत्ता भी क्या है, अनिश्चित है। इसकी व्याख्या हम व्यक्ति और वस्तुओं के आधार पर जो है सीमित दायरे में तो कर सकते हैं, लेकिन हम वैश्विक रूप से अगर पूरे विश्व के ब्रह्मांड की व्याख्या करनी हो तो उसको हम नहीं कर सकते क्योंकि अनिश्चितता ये पुनर्निर्माण की अवस्था में हमेशा है। जगत की प्रकृति जो है अनिश्चित है, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। जगत अपूर्ण है तथा इसका निरंतर निर्माण हो रहा है। आगे फिर कहते हैं कि जगत अपूर्ण है, जगत का निर्माण की अवस्था में है, निरंतर जगत निर्माण की अवस्था में है, हमेशा अपूर्ण है, निरंतर निर्माण की अवस्था में है। तो उसमें जो है उसको अपूर्ण की अवस्था में वो रहेगा। तो हर मनुष्य का ये जो है अनुभवों के द्वारा उसको अपने क्रियाओं को परिमार्जित करके जब ले आता है सामने तो उसमें पुनर्निर्माण होता रहता है, जगत भी को पूर्ण बनाता है। क्योंकि ईश्वर को भी उन्होंने कहा कि ईश्वर भी अपूर्ण है, ईश्वर भी अपूर्ण है, ईश्वर को भी का निर्माण जो है ये मनुष्यों के द्वारा उसके अनुभवों के द्वारा उसमें निर्माण होता रहता है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जगत के पीछे अनुभवातीत कोई सत्ता नहीं है। इन्होंने कहा जितने भी हमारे ये प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे कि जगत के पीछे अनुभवातीत कोई सत्ता ऐसी नहीं है जैसा कि आदर्शवादियों ने कहा कि एक जो है परम सत्ता है मनस जो उसके जो है उसके अधीन सारी क्रियाएं होती है। इसमें उन्होंने कहा इसके पीछे कोई और कोई सत्ता नहीं है, ये हमारे ही द्वारा बनाई गई सत्ता है, ये निरंतर पुनर्निर्माण की अवस्था में है, परिवर्तनशील की अवस्था में है। अगला उनका है, अगला अगर हम देखेंगे मनुष्य भी परिवर्तनशील है क्योंकि निरंतर जितना भी अनुभव प्राप्त करता है अपने को परिमार्जित करता है मनुष्य भी, इसलिए उसके कार्य व्यवहारों में उसके नैतिकता में उसके धार्मिक कार्य व्यवहारों में देखा जाए तो वो निरंतर रूप से
मनुष्य भी जो है परिवर्तन होता रहता है, ये जो है प्रयोजनवादियों का मानना है। जगत एवं समाज के साथ उसकी अंतर्क्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन आते हैं, और क्योंकि यह जो है इंट्रैक्शन जगत मतलब जो हमारे समाज है और वैश्विक रूप से देखें जो इतना भी इंट्रैक्शन होता है पूरा, वो दूसरे से अगर उस देखा जाए तो पुनर्निर्माण की अवस्था में, उसमें मनुष्य भी उनसे अनुभव लेकर अपने को जो है परिमार्जित करता है, जगत भी जो है जगत का भी परिमार्जन होता है, समाज का भी परिमार्जन होता है। तो यह सब अंतःक्रिया का फलस्वरूप है, इसको देखा उन्होंने। तथा मनुष्य जगत का सक्रिय कारण नहीं है, मनुष्य जगत का सक्रिय कारण नहीं है। यह जो है उन्होंने कहा कि यह इसमें जो सक्रिय उन्होंने कहा कारण है, जो मनुष्य के मस्तिष्क और ज्ञान है वो जो है उसके साधन और कारण है। तो इसको आगे उन्होंने साधन और कारण सब सारी चीज़ें हमने देखा, जगत निरंतर परिवर्तनशील क्रिया से गुजर रही है, इस चीज़ को देखा। और हम यहीं पर अब इस चीज़ को, क्योंकि हम इसको दो पार्ट में बांटा है इस वार्तालाप को, प्रयोजनवाद और शिक्षा को। प्रथम पार्ट अभी आप इस प्रयोजनवाद क्या है विभिन्न जो है शिक्षा शास्त्रियों को बारे में वार्तालाप में सुना और समझा होगा, ये मेरी अपेक्षा है। इसी के साथ मैं वार्तालाप यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार।